आप सबों को नमस्कार। मैंने हाल में ही कहीं पढ़ा कि एशिया महादेश में सबसे बड़ा अगर करप्शन होता है तो वह भारत में ही होता है। करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में भारत नंबर एक है एशिया महादेश में। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है, इसलिए हम लोगों को इसमें सभी को मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए। करप्शन के विरोध में जब हम लोग हर कोई साथ रहेंगे तो मुझे आशा है कि करप्शन बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। करप्शन की उत्पत्ति हुई कैसे, इस पर भी हम लोग को सोचना चाहिए। इसमें जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब हम किसी को देते हैं तभी कोई लेता है, तो देने वाला भी दोषी है, लेने वाला भी दोषी है, या कानून भी बना हुआ है, लेकिन इस पर कोई हम लोग ध्यान नहीं देते, जिससे यह एक सिस्टम को एक आदत सा बन गया कि किसी काम को करने के लिए भाई कुछ पैसे की ज़रूरत है। खासकर छोटे छोटे कार्यालयों में यह बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, और कार्यालयों में कर्मी के कमी के नाम पर या भ्रष्टाचार के कारण ही समझ लीजिए, कुछ प्राइवेट अपने सेवकों को रख लेते हैं अधिकारी लोग छोटे मोटे, और उनके द्वारा जो है पैसे का लेन देन करवाया जाता है, पैसे का लेन देन होता है। मैं भी बिहार के कई कार्यालयों का चक्कर लगा चुका हूँ, यहाँ से लेकर पटना तक के भी कार्यालय का चक्कर लगाया हूँ। अधिकांश कार्यालयों में मुझे भी इस तरह की बात देखने को मिला। मैं भी भ्रष्टाचार के कारण बहुत बड़ी समस्या में कभी कभी पड़ जाता हूँ। खैर, इसकी जो होने का है तो वो होकर ही रहता है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह बात तो ठीक है, चलो जो हो रहा है अच्छा के लिए ही हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है उस पर हम लोगों को एक साथ गौर रखना चाहिए। आखिर हमारे देश में या हमारे राज्य में या हमारे युवाओं, बेरोजगारों, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। मैं छोटा छोटा समस्या से लेके बड़ी समस्या तक इस उम्र में मैं भी जूझा हूँ, इस कारण मुझे भी अनेक समस्याएं हुई, अनेक समस्याओं का सामना कर रहा हूँ और अनेक समस्याओं का सामना करता आ रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई का प्रयोग अवश्य करें। तो यदि हर जनता जागरूक हो जाएंगे, हम सभी अगर जागरूक हो जाएंगे, तो शायद भ्रष्टाचार बहुत कम हो सकता है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति का काम कहीं अटका हुआ है और सो समय नहीं हो पा रहा है, अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, उस पर आरटीआई लगाएं। आरटीआई लगाने के बाद उस अधिकारी को महसूस हो जाता है कि अब जनता कुछ जाग चुकी है, कुछ समझ बूझ रही है, वो सिस्टम को कुछ भाप चुकी है, इसलिए ऐसा कर रहा है। इसमें भी कई प्रावधान हैं, प्रथम अपील ये हैं, द्वितीय अपील भी है, और इसमें अगर पदाधिकारी अधिकारी ससमय सूचना नहीं देते हैं, गलत सूचना देते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होती है, कार्रवाई का प्रावधान है। आज मैंने ऑनलाइन सुनवाई
आरटीआई के का ही सेकंड अपील हमारा पटना में चल रहा था, उसकी मैंने सुनवाई की। हालांकि लिंक के गड़बड़ी के कारण वह सिस्टम से आमना सामना नहीं हो पाया, लेकिन बाद में मैंने कॉल कर पता लगाया कि सर सुनवाई में क्या हुई, तो मुझे पता चला कि आपने जो सूचना मांगी थी उस पर अभी तक कोई सूचना आपको नहीं दी गई है, जिस पर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध 25,000 रुपये का जुर्माना किया गया। यह ऑर्डर आज अभी कुछ देर पहले ही पास हुआ है, तो मुझे वहाँ के आयोग के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना हो चुका है, आपको ऑर्डर शीट कुछ दिन में भेजा जाएगा। तो यदि हम लोग इसी प्रकार लगे रहेंगे तो आशा है कि अधिकारी को भी कुछ डर भय लगेगा, वो भी काम को सही समय पर करेंगे और निश्चित ही हम लोगों को आरटीआई का प्रयोग करना चाहिए, यह जनता का अधिकार है और इसमें सूचना देने का भी बाध्यता है कि 30 दिन के अंदर पदाधिकारियों को सूचना देना पड़ता है। अगर सूचना 30 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो पदाधिकारियों के वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं उसके ऊपर उनको प्रथम अपील आप दायर कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी सूचना नहीं मिलती है और आपका काम नहीं होता है तो आप सीधा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं अब तक लगभग 800-900 आरटीआई कर चुका हूँ, जिसमें अधिकांश पर रिजल्ट अच्छा ही आया है। कुछ ऐसा भी हुए हैं जो पदाधिकारी मनमानी करते हैं या जिनके साथ राजनीतिक पहुँच जुड़ा हुआ है तो वो चाहते हैं कि इसको दबाया जाए, तो कुछ की फाइल अटकी हुई है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। आशा है कि उस पर भी शीघ्र ठीक ढंग से सुनवाई होगी। जय हिंद।